जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। F-35 बहुत जल्द भारत आता देख पाकिस्तान के छूटे पसीने। देखो पाकिस्तानियों, हर बार वीडियो में आपको थोड़ी जलन महसूस तो होती है भारत की। देखो भारत की बात करना छोड़ दो यार, मैं तो यही बोल रहा हूँ पाकिस्तान, आपके देश में जो हो रहा है ना वो कुछ दिखाओ कि वहां हम भी चाहते कुछ अच्छी बातें आए और कुछ तरक्की की बातें आए। बलूचिस्तान के लिए कुछ अच्छा किया हो ऐसी बातें आए, पीओके की अच्छी बातें आए, गिलगित बाल्टिस्तान की अच्छी बात है, आपके और एक बॉर्डर में है अफगानिस्तान उसकी अच्छी बात है, ये हम चाहते हैं। और ये क्या हर बार की तरह बस भारत ने ये कर दिया। भारत आपसे बहुत ही बड़ा मुल्क है, बहुत साल आगे और आपसे करीबन 200-300 साल आगे ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आप उसकी मतलब थोड़े आगे भी नहीं पहुंच सकते। तो सर दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, भाषण बाद में करेंगे, लास्ट में जरूर हम आपसे बात करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर। चलिए स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया जो है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है जैसे भी उसके हालात हैं। इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक और इस टैंक का नाम है जोरावर, और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो है वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए, नए हथियार खरीदने के लिए है। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। इंडिया के पास पैसे ज्यादा हैं, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स, उनकी रिलेशनशिप अब। ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे, और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? 2019 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। पाक फौज की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हो रहा, इसके बावजूद के रुपए की कदर में कमी हुई। फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ। क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेरिकन प्लेन्स हैं वो तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हम मुकाबला किससे कर रहे हैं, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। अमेरिकन की भी सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, सैंक्शंस भी हैं, ले भी नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करता है वो ये कह देता है कि पाकिस्तान को आपने नहीं बेचना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय सीमा पर आंख कड़ाए दुश्मन देशों की अब खैर नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस साल अप्रैल में भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक जोरावर को भारतीय सेना को सौंप सकता है। DRDO ने टैंक का विकास प्रशिक्षण पहले ही शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक हमारे विकास, सह उत्पादन, भागीदार सुविधाओं में शुरू हो गया है। टैंक को 100 किलोमीटर से अधिक तक ले जाया गया है और इस साल अप्रैल तक इसे भारतीय सेना को दिए जाने की उम्मीद है। इस हल्के टैंक को जल्द सीमा की निगरानी के लिए भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए इंजन के साथ हल्के टैंकों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। DRDO कंपनी अपनी साझेदार लॉसन एंड टूर्बो के साथ मिलकर हल्के जोरावर टैंक का उत्पादन कर रही है। इस हल्के टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रशिक्षण के बाद दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई। और इसका जारी बात है, अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे, क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपरियोरिटी तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लेन, और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयर फोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया जरूर लेगा। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता हो कि UAE लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए, और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे। ठीक है, इंडिया सुनने में आया लेना, लेकिन इंडिया और UAE दोनों वहाँ चले गए।
ठीक है जी। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की जो एक्विजिशन है, एक तो जारी बात है बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारा इंडिया पाकिस्तान और चीन का कॉमन एडवर्सरी है, इंडियंस भी यही कहते हैं, लेकिन चाइनीज ये बात मानने को तैयार नहीं है और चाइनीज इसको किसी जगह पे रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार नहीं है। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी ज्वाइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। आई डोंट सी कि चाइनीज इसको सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इंडियंस को खुद ही देख लेंगे, हमें वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है उस हवाले से। सो ये इंडिया F-35 लेगा, ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, ठीक है जी। अब FC-31 जो है इसको कहा जाता है, इसको रेफर किया जाता है एज ए J-31 और J-35, और इसको चाइनीज नहीं कहते J-35, ठीक है जी, एन इक्वलेंट टू F-35 चाइनीज नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है इसको, इस हवाले से बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चाइना चीज़ें दुनिया को नहीं बेच रहा लेकिन पाकिस्तान को बेच देता है, उसकी वजह ये है कि एक तो वो ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ उनको, दूसरा वो समझता कि ठीक है मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्रस्टेड पार्टनर है वो, ट्रस्टेड पाकिस्तान इसलिए पार्टनर है इंडिया चाइना का बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। सो दैट इज वाई द चाइनीज थिंक कि यस, ठीक है जी। और इंडिया और चाइना के आपस में मिसाइल हैं, पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये अगर पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर मिल गया तो इससे एक पाकिस्तान को सबकत हासिल हो जाएगी बिकॉज इंडिया डजेंट हैव द स्टेल्थ कैपेबिलिटी, स्टिल फाइटर नहीं है, लेकिन वो ले सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है वो ज़्यादा जल्दी ले सकते हैं पाकिस्तान से। उसकी वजह ये है कि आज अगर वो अमेरिकन से डील करना चाहें तो अमेरिकन भाग के इंडियंस को F-35 देंगे, क्योंकि अमेरिकन को पता है कि एक तो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, दूसरे चाइना के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तीसरा ये है कि अपनी मिलिट्री हार्डवेयर, मतलब दैट्स हाउ यू डू, द ग्रेट पावर्स इंजॉय इनसिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज। सो जो इंडिया की इनसिक्योरिटी है वो भी तो एक चीज़ है, पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को मे बी चाइनीज इंजॉय कर रहे हो, इंडिया की इनसिक्योरिटी को अमेरिकन इंजॉय कर रहे हो, और दोनों ये समझते होंगे कि भाई ठीक है इंडिया को भी इनसिक्योर रहने दो और पाकिस्तान को भी इनसिक्योर रहने दो, सबको जो है वो ये इनसिक्योर रहेंगे, जितना ज़्यादा इनसिक्योर रहेंगे दैट इज़ गुड फॉर अस, ठीक है जी। सो पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी राफेल के हवाले से काफ़ी काम कर चुका है। अब इंडिया टेक्निकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा बन के एक, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लॉक का हिस्सा बन चुका हुआ है। हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री किसी कंपोनेंट का हिस्सा नहीं है, किसी चाइना के कोई ऐसे मिलिट्री अलायंस का या ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन द वेस्टर्न वर्ल्ड कॉन्सिडर्स के पाकिस्तान एक अनडिक्लेयर्ड मिलिट्री अलाय है चाइना का। इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक और इस टैंक का नाम है जोरावर। ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? लगता नहीं है किसी बड़े लड़ाके का, बड़े वॉरियर का नाम है। बात तो सच है दोस्तों, डोगरा फौज का जनरल जोरावर वो जनरल था डोगरा साम्राज्य का जिसने तिब्बत की खिड़कियां खड़का दी थी और तिब्बत में उसने डोगरा साम्राज्य का झंडा लहरा दिया था। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। तो भाई F-35 जो टैंक है, मतलब हल्का टैंक है जिसको अब लॉन्च किया जाएगा और मतलब पूरी तरह से हमारी आर्मी को दिया जाएगा। अभी तक टेस्टिंग चल रहे थे, जो टेस्टिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे खास करके पाकिस्तान वाली साइड बॉर्डर में तो वहाँ ऐसे ही टैंक बहुत ही ज़रूरी है, जो दूर दराज वाले इलाके जैसे रण जैसे इलाके और खास करके
जम्मू एंड कश्मीर साइड जो पर्वत जैसे इलाके होते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत ही अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। दूसरी अच्छी बात कि मेड इन इंडिया रहेगा, डीआरडीओ कंपनी और हमारी दूसरी कंपनी लार्सन टर्बो कंपनी जो मिलके बना रही है, और जर्मनी और इंजिन पहले बाहर से लाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हल्का टैंक की जरूरत बहुत थी। और ये अब न्यूज अभी हमारे पास है, बट ये न्यूज कई एक या दो सालों से चल रही है, बट उसमें अब फाइनली न्यूज आ ही चुकी है, तो कुछ ही समय में दिया जाए तो ये अच्छी बात है, हमारे आर्मी को और हेल्प मिल जाएगी, और खास करके मेड इन इंडिया, अब उनके और उससे देश आगे बढ़े तो और क्या चाहिए भाई हमें। और इन लोगों को जलते हैं, जलने दो, इंडिया ने कर दिया है, इंडिया वो करना है। हाँ, वो क्या नाम है उसका कमर सीमा हैं, ये करता है, बहुत सारे पाकिस्तान तो हैं, इंडियन न्यूज पे एनालिसिस देंगे उसके खुद की देश की, तो पर अपने आप को ये लोग जर्नलिज्म कहते हैं। मैंने कमर सीमा जी की जो वीडियोज है उसकी चैनल उस पर विजिट किया है, तो आपको है ना वहाँ पे इंडिया के अलावा और कोई न्यूज दिखेगी नहीं, कोई नहीं, और उनके कंट्री की तो कोई नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल चार पांच लोग है हमारे फिक्स भारत के बड़े लोग, और जिसको आप अच्छे से जानते हो, उनमें से पहले नंबर पे नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर पे है अमित शाह जी, तीसरे नंबर पे डॉक्टर एस जयशंकर साहब, और चौथे नंबर पे है हमारे यूपी के प्यारे प्राइम मिनिस्टर योगी जी, ठीक है। तो इन चार लोगों के बीच में रिलेटेड ये वीडियो बनाते रहते हैं, और कुछ नहीं है। और ये पाकिस्तान बोलते हैं हम अपने आप में, भाई जर्नलिस्ट आप हो तो पूरी दुनिया की बात करो, खुद पाकिस्तान की बात मैंने कभी करते हुए नहीं दिखाई इन लोगों को, कि भाई बलूचिस्तान में ऐसा हुआ, बलूचिस्तान में फलाना ढिमकाना जो भी हो, ये बलूचिस्तान का मुद्दा कहीं पे भी दिखाएंगे नहीं, आएंगे बात की बलूचिस्तान के बारे में तो दूसरे दिन तो सुबह उसके सेल में होंगे, क्योंकि इतना तो डर उसको है ही से। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।